presented by GSFP 5. GSFP 5. ये प्रदेशवासियों, आप सबको मालूम है 7 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं। पिछली बार आपने 163 का बहुमत देकर के श्रीमती वसुंधरा जी की सरकार बनाई थी। लोगों की आशाएं अपेक्षाएं उसी के अनुपात में थी, परंतु वसुंधरा जी ने और सरकार ने पूरी तरह जनता को निराश किया। आज जनता पूछती हमारा कसूर क्या था। तमाम विकास योजनाएं ठप कर दी, निचले ऊपर तक करप्शन हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बर्बाद हो गई, बल्कि कहना चाहिए कि छोटी बच्चों के रेप, चोरियां, डकैतियां, हत्याएं आम बात हो गई, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे मॉब लिंचिंग के नाम पर। तमाम मेरी जनकल्याणकारी योजना चल रही थी पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर, उनको कमजोर कर दिया। और तो और रिफाइनरी परियोजना लाखों लोगों को रोजगार देती, उनको ठप कर दिया। ब्रॉडगेज आने वाली थी रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, उसको बंद कर दिया गया। करौली टाउन जुड़ने थे रेल से, उसका पता ही नहीं। कोट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट था भीलवाड़ा के लिए, कोई चर्चा ही नहीं हुई उसकी। बांध बनना था पर्वत नदी पर हाड़ौती के अंदर, वो बहुत डिले कर दिया। जयपुर मेट्रो आने वाली थी सेकंड फेज, सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक 22 किलोमीटर तक की, उसकी भी कोई चर्चा नहीं हुई। इस प्रकार से जो शासन हुआ है वो बजरी माफियाओं का राज हुआ है। बजरी माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, इनको संरक्षण मिला, सरकार के प्रोटेक्शन मिला है। इस प्रकार से शासन ही कुशासन था वो, और उसका अंत करने का समय आ गया है। मैं समझता हूं कि इस बार पुनः कांग्रेस को आपका आशीर्वाद मिले, कांग्रेस के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत के जाएं। इसलिए मेरी आपसे मार्मिक अपील है कि राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए कृपया आप लोग सब मिलकर के इस बार हाथ के बटन दबा करके आप कांग्रेस को कामयाब करें, सरकार कांग्रेस ही बनाए। ये मेरी आपसे विनम्र अपील रहेगी।